आंख हुस्न है, रोशनी है, जिंदगी है, लेकिन अगर आंख ना हो तो बस अंधेरा। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख जो देखने को तो कम मिलता है, लेकिन हुस्न से ज्यादा हसीन, रोशनी से ज्यादा रोशन और जिंदगी से ज्यादा जिंदा है। मिर्जा यूसुफ बेग। एक दिन सुबह उठे तो सर में दर्द हुआ और बेनाई आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी। इस दर्द ने यूसुफ बेग की नजर तो छीनी, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं कर सकी। अपने आप को अपनों से नीचे लोगों को देख के अपनी हिम्मत बढ़ाता हूँ, या मेरे से भी लोग ऐसे बेचारे जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। मैं तो अल्लाह शुक्र है अपना खड़ा हो रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। इस तरह अपने आप को एस्टेब्लिश करता हूँ, ताकत देता हूँ, एनर्जी। यूसुफ बेग कुरंगी के इलाके में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। वो आज भी उसी तैयारी के साथ दुकान पर जाते हैं जैसे आज से 3 साल पहले जाया करते थे। शुरू में तो बहुत परेशान हुआ, पर अल्लाह ने फिर हिम्मत दी। मैंने बोला अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल ही लेट जाएंगे। तो तकरीबन फिर 1.5 महीने बाद मैंने अपने ऑफिस की छुट्टी कभी नहीं करी, ऑफिस बराबर आता रहा, परेशानियाँ होती रही, फिर अल्लाह ताला हिम्मत देता गया। यूसुफ बेग मिर्ज़ा एक खुददार इंसान है, मेहनत से अपना और बच्चों का पेट पालना चाहते हैं, लेकिन आंख वालों की तरफ से आंखें फेरने पर आंख नम तो होती है ना। बस उसमें जो मुझसे ज़्यादा सिंसियर थे, मोहब्बत करते थे, जो अपने थे, वो तो हैं अभी भी। बाकी तकरीबन 50% लोग साथ छोड़ गए, उनके जहन में ये कि इनको नज़र ही नहीं आ रही कि क्या करेंगे। यूसुफ बेग को किसी की मदद नहीं चाहिए, वो तो बस ऐसा रवैया चाहते हैं जो मुआशरे की रोशन नजरी की अक्कासी करे। ज़ुबान हाल से वो इस शेर की तस्वीर नज़र आते हैं। मुझे मलाल नहीं अपनी बेनिगाही का, जो दीदावर हैं उन्हें भी नज़र नहीं आता। मिर्ज़ा यूसुफ बेग ने खुद ही अपनी हिम्मत बंधाई और अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ नज़र रखने वाले अब उनसे आंखें चुराने लगे हैं। लोगों के इस रवैये को यूसुफ बेग अहले बिना के अंधेपन से ताबीर करते हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ मोहम्मद अनवार, CNBC पाकिस्तान, कराची।